आदा आप अक्सर लोग स्ट्रेट टाइम्स देख रहे हैं। अगर आप भी आरईटी टीचर हैं तो ये खबर आपके लिए अहम जरूरी होने वाली है। आपको बता दें कि अगर आप भी आरईटी टीचर हैं तो अब आपका ही विभाग आपसे आपकी ही सैलरी वापस लेने वाला है। ये खबर बहुत ही जरूरी खबर है और ये तमाम उन आरईटी टीचर्स के लिए है और जो वॉलंटियर्स जो है वो काम करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ये पूरी खबर उनके लिए है। आपने इस खबर को अंत तक देखना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि हर एक तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। आपको बता देंगी जितने भी आरईटी टीचर्स हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अलग अलग जगहों पर जो है वो काम कर रहे थे और उसके चलते जिन्होंने उसके बीच में डिग्रीज की हैं, यानी कि कोई कि किसी ने ग्रेजुएशन की है, किसी ने और कोई डिग्री की है, अगर उसने रेगुलर मूड पे की है तो अब आपका ही विभाग आपसे आपकी सैलरी वापस लेने वाला है। आपको बता दें कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से यह ऑर्डर निकाला गया है और इस ऑर्डर में ये बताया गया है कि जितने भी आरईटी टीचर्स हैं जो अलग अलग जगहों पर इस वक्त काम कर रहे हैं, चाहे वो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं या आरईटी टीचर्स हैं, उसके चलते जिन्होंने रेगुलर मूड पे अपनी डिग्री की है उनसे अब सैलरीज वापस लेने जा रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट। आपको बता दें कि सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो भी आरईटी टीचर्स हैं या जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचर की पोस्ट पे हैं, सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि वो लोग पहले एजुकेशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके चलते उन लोगों को जॉब मिलती है, फिर वो लोग जो है अपनी ड्यूटीज देते हैं, उसके बाद अब ऐसा ऑर्डर भी सामने आता है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि उस ऑर्डर में ये बताया गया है कि डिविजनल लेवल की एक कमेटी को तश्कील दी गई है और उस कमेटी में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में और ये डिसाइड किया गया कि जितने भी आरईटी टीचर्स हैं उनको जो है अब सैलरीज वापस देनी होगी। उसमें कौन कौन से आरईटी टीचर्स आते हैं, कौन कौन से वॉलंटियर्स आते हैं, ये हम आपको बता दें। जिस तरीके से अगर आरईटी टीचर्स हैं इनमें से कोई जो अपनी जॉब कर रहा है, यानी कि अपनी नौकरी कर रहा है और ड्यूटी पे जा रहा है, उसी के चलते वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है और एक तरफ से ग्रेजुएशन कर रहा है, दूसरी तरफ से सरकार से सैलरी भी लेता है, यानी कि तनख्वाह भी लेता है और वो बच्चों को भी पढ़ाता है, खुद भी पढ़ता है, तो उनको अब बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, उनको अब सैलरी वापस देनी होगी। जो भी एजुकेशन में वॉलंटियर्स है उन पे अब मुसीबत आने वाली है, क्योंकि अब उन्हीं का विभाग जो है अब उनसे सैलरी वापस लेने वाला है। आपको ये भी बता दें कि अब इनमें से दो चीज़ें आती हैं, यानी कि दो बातें होती हैं। आप जानते हैं कि एक रेगुलर मूड पे एजुकेशन होती है, एक डिस्टेंस मूड पे एजुकेशन होती है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि दो तरीके की एजुकेशन होती हैं, अब रेगुलर मूड पे हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी रेगुलर मूड पे एजुकेशन होती है हम हर रोज़ उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और अपनी क्लासें अटेंड करते हैं, यानी कि हर रोज़ आपको जाना पड़ता है। और डिस्टेंस में क्या होता है कि डिस्टेंस में आपने जब एडमिशन ली फिर आपको असाइनमेंट जमा करने होते हैं, या बीच में अगर आप कभी गए तो गए, नहीं भी गए तो कोई भी इशू नहीं, अभी तो दो चीज़ें हैं। अब इनमें क्या है, इनको जितने भी DDOs हैं उनको ये बताया गया है कि आप लोग चेक कीजिए ऐसे कितने आरईटी टीचर्स हैं और कितने वॉलंटियर्स हैं जो इस तरीके से रेगुलर मोड पे डिग्री जिन्होंने भी की है उनसे आप सैलरी वापस ली जाएगी। आपको बता दें कि जो हमारे पास रिपोर्ट पहुंची है उसमें लगभग 148 ऐसे टीचर्स हैं। आपको बता दें उसमें से 21 जो हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं और 117 जो है वो आरईटी टीचर्स हैं जो हमारे पास रिपोर्ट पहुंची है, अब जिनको चेक किया जाएगा और जो भी उसमें से ये पाया गया कि ये रेगुलर मूड पे भी कर रहा था और दूसरी तरफ जो है सरकार की नौकरी कर रहा था, सरकार से भी जो है वो तनख्वाह ले रहा था, उसके चलते आप उन्हीं का विभाग अब उनसे जो है सैलरीज वापस लेने ही वाला है। अगर उन्होंने सैलरी ली है तो वो अब उनको वापस करनी होगी और ये खबर जो है उनके लिए अहम खबर है
और उन सब आरटी टीचर्स के लिए आपको बता दें कि इनमें दो चीजें हैं, सबसे पहले एजुकेशन मोड और रेगुलर मोड। जो रेगुलर मोड पे कर रहा है उसके लिए मुसीबत आने वाली है, जो डिस्टेंस मोड पे कर रहा है उसको कुछ भी नहीं हो सकता है। जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आरईटी टीचर्स हैं, वॉलंटियर्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनको अब सैलरी वापस लेने वाला है, उन्हीं का विभाग लेने वाला है। इसकी पूरी एक कमेटी को तश्कील दी गई है और डीडीओस को बता दिया गया है कि आप लोग इनमें जो है वो देखिए कौन कौन से ऐसे टीचर्स हैं जो सामने आते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ डबल क्रॉस किया है। यानी कि एक तरफ से सरकार से भी सैलरीज लेते हैं और दूसरी तरफ से अपनी पढ़ाई को भी जारी रखते हैं। ये अहम खबर थी और ये ऑर्डर जो है एजुकेशन, ये ऑर्डर जो है कश्मीर की तरफ से निकाला गया है। आपको बता दें कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से ये ऑर्डर निकाला गया है और इस ऑर्डर पे अब सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं। आप भी अपनी राय दीजिए, आपकी राय हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखती है। आप किस तरीके से इस ऑर्डर को देखते हैं, आपकी क्या राय होगी? फिलहाल के लिए एक छोटी सी पेशकश इरफान मलिक के साथ स्ट्रेट टाइम पे।